तो भाई आज है संडे, संडे के दिन क्या होता है कि मैं अपने चाहता हूँ भाई, हाँ मैं निहारी का कहीं ध्यान मेरी और कम और न्यूज पेपर पर कम लग जाता है। कहाँ जा रही होगी घूमने के लिए है? नहीं पता है इसको भी, और मतलब मुझे पता है ये भूली होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, लखनऊ के पास में एक मंदिर है जहाँ 1,25,000 हनुमान जी की मूर्ति ऐसा बोल लेते हैं। कल मैं ऐसे एक वीडियो देखा रहा तो मेरा मन था कि चलो हम लोग भी देख के आते हैं, हमने आज तक देखा नहीं है, तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं उधर ही। सो गाइस दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो ये अपनी सोसाइटी है, आजकल यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है थोड़ा, उसके बाद ये लगेगी बिल्कुल एकदम से नई। तो फिलहाल हम लोग निकलते हैं सोसाइटी से बाहर, तो यानी कि सोसाइटी से बाहर आते हैं। यहाँ का सर्विस रोड में क्या है ना, ऐसे ट्रक के ट्रक खड़े आते हैं, तो अगर मैं कार लेके आता हूँ तो यहाँ पर जाम शाम के टाइम पे इधर पे जाम पे सोसाइटी के बाहर जाम पे फंस जाता हूँ ऐसे, क्योंकि फिर ये लेन इतनी पतली है सर्विस रोड। ये देखो ये फैजाबाद रोड आ गई, सामने बेकॉन ढाबा है बहुत फेमस है, कभी फैजाबाद रोड में खाने का मन करेगा लखनऊ में तो आप इस वाले ढाबे में खा सकते हैं। और कल आया था बहुत खतरनाक तूफान था कल दिन में, उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ टूट गए और थोड़ा मौसम में ठंडक आई भी है क्योंकि उसके साथ बारिश हुई थी बहुत तेज। तो आज मौसम में फिर ठीक है, मॉर्निंग के बजे हैं करीब 8:30, तो हम लोग आज लेट हैं, निहारिका में कमिटमेंट था कि हम लोग निकलेंगे सुबह 6:30, लेकिन मौसम ठीक था तो मैंने कहा कि चलो इतनी जल्दी जाके कोई फायदा नहीं है, हवा ठंडी चल रही है तो चल जाएगा। तो 8:30 निकल लें, और यहाँ से मैंने गूगल मैप पर डिस्टेंस देखी थी टोटल, तो वो करीब आपके 19 किलोमीटर दिखा रहा था। अभी उसके दो रास्ते हैं, यहाँ से अगर मैं जाऊँ एक पास्ता नगर लेकर होते हुए, या फिर मैं जाऊँ आपके बटलर रोड होते हुए, देखो कौन सा रास्ता निकलते हैं। एक रास्ता चूज तो करना ही करना है किसी भी हालत में, और सुबह सुबह का टाइम है तो अभी हमने ब्रेकफास्ट किया नहीं क्योंकि मंदिर जा रहे थे, चक्कर में ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ, तो ब्रेकफास्ट भी करेंगे आज लखनऊ में और पियेंगे शर्मा जी की चाय साथ में बहुत दिनों बाद। की सर्विसिंग कराई भी बहुत टाइम हो गया, बाइक की सर्विसिंग भी करानी है, अगर लॉन्ग ट्रिप पर जाना है तो सर्विसिंग करानी पड़ेगी इसकी बाइक की, लेकिन क्या है कि एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, फिलहाल अभी वैसी ही है जैसे नई चलती थी पहले से। अभी क्योंकि पहाड़ों पर बहुत दिन से चली नहीं है तो इसलिए जायजा पता नहीं चल रहा है, यानी पहाड़ों पर चलेगी तो फिर क्योंकि गाड़ी का पिकअप का यहाँ पर पता नहीं चलता है, पता चलेगा तो पहाड़ों की ओर ही चलेगा कि पिकअप कैसा है। तो ये है कमता, यहाँ से कानपुर को डायरेक्ट रोड चले जाती है शहीद पथ को। अभी गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी मेरे को बहाना है क्योंकि ब्लिंक कर रहा है पेट्रोल का इंडिकेटर भी। देखिए प्रयागराज भी इस साइड को निकल सकते हो, सुल्तानपुर रायबरेली सब आपको कमता से फैजाबाद ऑटो में ये अवध बस स्टैंड के पीछे से ये रास्ता मिल जाएगा। अभी देखिए भाई साहब ने अचानक से इंडिकेटर यहाँ का दिया और कट से गाड़ी मोड़ ली इधर को। आजकल है गर्मी का टाइम तो आप जा सकते हैं ब्लूबर्ड पार्क कानपुर, यहाँ लखनऊ और सीतापुर से डायरेक्ट बस मिल जाती है, ब्लूबर्ड की बस मतलब उनके अपने नाम से होती है। और अगर आपको इतना दूर कानपुर नहीं जाना है तो आप जा सकते हैं आनंदी वाटर पार्क, आनंदी मैजिकल वर्ल्ड और आनंदी मैजिक वर्ल्ड। आनंदी वाटर पार्क बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो उसका अगर ब्लॉग देखना होगा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से आनंदी वाटर पार्क देख सकते हैं, करीब 900 के अप्रोक्सीमेट है मतलब उसका विद लंच के साथ आपको इतना मिल जाएगा, और एक वेलकम ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी बस इतना उसमें है। और स्लाइड वगैरह अंदर आप जो देखना होगा वो लिंक वीडियो पे जाके दे सकते हो। तो कल देखो तूफान आया तो देखो कोई भी जितने बैनर हैं सारी होर्डिंग टूट चुकी हैं, मतलब ये है, और बहुत बड़े बड़े पेड़ नीचे गिरे हुए हैं, मतलब कल का तूफान इतना ज़बरदस्त था, उससे 15 मिनट का तूफान था और 15 मिनट के टाइम में पूरे मतलब तहस नहस करके गया है हर जगह पे। और तो भैया हमारे आते ही लग गई रेड लाइट, तो ये चौराहा आप देख रहे हैं ना, ये चौराहे के सामने जो स्मारक है क्लॉक टावर जो बना हुआ है वो है राम मनोहर लोहिया पार्क। अगर आपको पार्क घूमने का मन है तो आप यहाँ पर घूम सकते हैं, अभी हमें आपके लोहिया पथ पे, और यहीं से आप डायरेक्ट अंदर चले जाओगे करीब 1 किलोमीटर अम्बेडकर पार्क आ जाएगा, उसी से अम्बेडकर पार्क से आगे 1 किलोमीटर चले जाओगे तो जनेश्वर मिश्र पार्क आ जाएगा। तो यानी कि आपको इस लाइन में लगातार 3 पार्क मिलने हैं, पहले राम मनोहर लोहिया पार्क,
फिर अम्बेडकर पार्क और फिर उसके बाद जनरल असेंबली पार्क। अलग अलग लोग गेम्स कराते हैं। नीचे ये गोमती रिवर फ्रंट है तो अम्बेडकर पार्क से लगता ही हुआ है, तो आप यहाँ पे भी आराम से आके शाम के टाइम पे यहाँ पर पूरी बहुत आइसक्रीम बिकती है। शाम के टाइम पे आपको ये पुल जितना दिखाई दे रहा है इस पर आपको रात के दो दो तीन तीन बजे तक आइसक्रीम मिलेंगी, तो आप रात में अगर आइसक्रीम खाने का मन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और साथ साथ में जो आपका इससे बोलते हैं मेरीन ड्राइव लखनऊ, ऐसा बोलते हैं मेरीन ड्राइव, मेरे को भी नहीं मानता, मेरीन ड्राइव वहीं होती है जहाँ समुद्र का किनारा होता है, लेकिन यहाँ पर नदी का किनारा है तो उसे मेरीन ड्राइव लखनऊ बोलते हैं। तो मेरीन ड्राइव में आप मज़ा कर सकते हैं। ये 1090 चौराहा आपका आ गया। अगर आप खाने के शौकीन हैं 1090 चौराहे से अंदर की ओर जैसे जाएंगे तो यहाँ पर चटोरी गली पड़ती है भाई साहब। चटोरी गली में चाट मिलती है बहुत ज़बरदस्त, और खाने के बहुत सारे आपको वैरायटी वहाँ मिल जाएगी, सोया चाप, मोमोज वगैरह सब कुछ। तो सस्ते में अगर आपको फूड का मज़ा लेना है तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हैं चटोरी गली में। चटोरी गली काफ़ी मतलब वाकई काफ़ी अच्छी है। आप अगर वो देखोगे ना तो ये चौराहे से हम लोग निकल जाएंगे बटलर रोड की ओर जहाँ की वो बस जा रही है। तो बस डेस्टिनेशन है आधा किलोमीटर दूर, तो हम लोग पहुंच गए हैं हनुमंत धाम, जहाँ पर है हनुमान जी की 1.25 लाख मूर्तियाँ। अब बाकी फ़ोटो में तो मैंने देखा था काफ़ी खूबसूरत लगा था, अभी वहाँ जाके देखेंगे कैसा मंदिर है। तो हनुमान जी का मंदिर है तो दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह नाश्ता इसलिए हमने किया ही नहीं, हमने कहा सुबह मंदिर जाएंगे तो नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नाश्ता अपना करते हैं। तो ये अगर मेट्रो से आप आना चाहते हैं तो के डी सिंह बाबू स्टेडियम सबसे पास है यहाँ से, है ना, तो यहाँ से अभी 250 मीटर है। तो के डी सिंह बाबू स्टेडियम के नीचे हनुमान धाम है, यानी कि ये समझ लीजिए आप लोग पास। अगर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो मेट्रो स्टेशन सबसे पास यही वाला है यहाँ पे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुंबद ना आपको गोल्डन कलर का, तो यही है हनुमान धाम। तो मॉर्निंग में लोग आ भी गए हैं, देखो यहाँ पे हनुमान धाम में आज का भंडारा भी हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ लखनऊ में ना वो क्या बोलते हैं बड़ा मंगलवार चल रहा है आजकल, और कई जगह तो पूरे महीने भर भंडारे चल रहे हैं हनुमान जी के नाम पे। आप ये देख रहे हैं ना ये हनुमान जी की मूर्तियाँ, तो ये जितनी मूर्तियाँ छोटी बड़ी सब मिला के टोटल 1.25 लाख यहाँ पर बनी हुई हैं। 1.25 लाख है मतलब 1,25,000। तो ये ऐसे पूरी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ऊपर पहले हमने आपको मंदिर दिखाया था, मंदिर के साथ साथ यहाँ पे और भी मंदिर है, जैसे सही देवता का मंदिर है। ये देखिए क्या है, हनुमान धाम मणि प्रसंगा जीवोद्धार कल्पना संरचना निर्माण का कार्य ईश्वर के सिंह कल्पना से श्रीमती सरोज सिन्हा एवं पिता श्री गोपाल चंद सिन्हा के आसार कार्य आखिर कंसनी फैमिली एवं संस्थापक श्री संजय सिंह उदय विजय सिन्हा के परिवार द्वारा संपन्न हुआ है। तो ये है गोमती नदी के बिल्कुल एकदम किनारे। अगर यहाँ पर क्या है, ये हनुमान धाम है और उधर है हनुमान सेतु, तो दोनों हैं आमने सामने, ये आप समझ के चलिए। देखिए यहाँ पर टोटल 1.25 लाख हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और ये काफ़ी खूबसूरत है। आप अपने बच्चों के साथ जाते झूला भी देखो वहाँ पर लगा हुआ है। बता ना कि कल तूफान आया था, पेड़ टूटे, देखो यहाँ पर वो सारी निशानी है, देखो कितने सारे पेड़ टूटे हुए। रास्ता ब्लॉक था मॉर्निंग में इसलिए हम यहाँ के रास्ते आए नहीं थे। तो यहाँ पर एक वो है आपके के डी सिंह बाबू स्टेडियम है, तो आप के डी सिंह बाबू स्टेडियम में भी आ सकते हैं यहाँ पर।
मतलब खेलो इंडिया कॉन्टेस्ट चल रहा ना आजकल, जो 25 मई को चला था, तो उसका पूरा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो यहाँ पर आपके वो है पार्किंग जो है अंडरग्राउंड, यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे हजरतगंज, हजरतगंज हम लोग जाएंगे शर्मा जी की दुकान में चाय पीने के लिए। देखो हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन आ गया, ये है हजरतगंज का मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से हम पहुँच गए, देखो हिंदी संस्थान है, यहाँ पर पुस्तकालय भी है और हजरत, तो ये है यहाँ का सचिवालय, लखनऊ का सचिवालय। ये है इधर बीजेपी का वो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का, ये सचिवालय देखिए कितना खूबसूरत है लखनऊ का। यहाँ से सचिवालय के ठीक सामने बीजेपी के कार्यालय के बगल से हजरतगंज में आपको रास्ता मिलेगा शर्मा जी की दुकान का। शर्मा जी की दुकान के ठीक पास में है सरदार जी के छोले कुलचे की दुकान, तो आप छोले कुलचे भी खा सकते हैं। देखो ये ब्लॉग दो टाइप का हो गया, एक तो इन्फॉर्मेशन हो गया लखनऊ के बारे में, ये देखिए ये है वीरांगना अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। तो निहारिका को लग गई है भूख ज़्यादा, तो निहारिका टूट पड़ी है छोले कुलचे पे। कैसा हो रहा है? नहीं खा पाए अभी तक, तो गर्म बहुत हो रहा है, तो एकदम गर्मा गर्म। तो यहाँ पर क्या है ना, तीन दुकानें हैं, तो सेंटर वाली दुकान ओरिजिनल है, तो आप वहाँ पर आइए, तो टेस्ट में भी हो सकता है कि एक जैसा हो, लेकिन जो वही दुकान है वो सेंटर वाली है। तो छोले कुलचे का जो रेट है वो ये यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख लीजिए। कार वाली, तो कार वाली ये पूरी मार्केट है, लाल बाग चौराहा, पूरा सबसे पुराना नोवेल्टी सिनेमा लखनऊ का। तो ये है जो दुकान सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे। तो हम लोगों ने एक प्लेट खरीदी थी 50 रुपये की छोले कुलचे, सिंपल वाले आलू वाले, ठीक है। तो हम लोग का दोनों का हो गया एक छोले कुलचे में। तो हम लोग अब आ गए हैं शर्मा जी की चाय पीने के, पहले हम लोग यहीं आए थे, लेकिन फिर दिमाग किया कि पहले मिर्च वाला आइटम खाते हैं फिर चाय पीएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये है शर्मा जी की चाय, देखिए आप भीड़ कितनी है, इतनी ज़्यादा भीड़ हमेशा रहती है यहाँ पर 7 बजे से। तो ये बड़ी मशक्कत के 15 मिनट बाद मन मक्खन और चाय अपनी आ गई है। तो अभी भी देखिए वहाँ पर इतनी भीड़ है, सामने का नज़ारा देखो। यहाँ पर बीच में आप अपनी ट्रे लेके आ जाओ और इस वाले पार्क में बैठ के आराम से बैठ के निहारी का तरफ खाओ, निहारी का अपने फूलों को देख के खुश हो जाओ। तो अगर आपको लखनऊ की सबसे फेमस चाट खानी है रॉयल कैफ़े, जहाँ पे क्या बोलते हैं तन वो पीतल के तावे के तवे पे बनता है बास्केट चाट, तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको खाने को वो मिल जाएगा, जिसे बोलते हैं हम रॉयल कैफ़े। अगर आपको वाजपेयी जी की कचौड़ी खानी है तो इस वाली गली से आपको जाना पड़ेगा, तो आप वाजपेयी जी की कचौड़ी खा सकते हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। अपना पेट भरा हुआ है भाई, आज सुबह से छोले कुलचे खा लिया, उसके बाद बंद मक्खन खा लिया। बंद मक्खन की क्या खासियत थी, बंद मक्खन में क्या वो वाइट कलर की मक्खन लगाते हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि मॉर्निंग में इतने लोग आ गए कि मक्खन ही ख़त्म हो गई भाई, सुबह सुबह मक्खन ख़त्म हो गई, तो फिर पीली वाली मक्खन खानी पड़ी, वो और 10 रुपये महंगी मिलती है पीली वाली मक्खन। तो यहाँ से अपन लोग निकल जाएगा उधर को सामने, इससे हम लोग डायरेक्ट जू पहुँच जाएंगे, लखनऊ के जू पहुँच जाएंगे यहाँ से। मैं लखनऊ का जू और क्या बोलते हैं हजरतगंज के बीच में मात्र 1.5 किलोमीटर का फासला है ना, तो आप लखनऊ के जू भी घूम सकते हैं। यहाँ चले जाओ तो आप पहुँचोगे जू, तो ये देखो जू मतलब हजरतगंज और जू के बीच में सिर्फ 1 किलोमीटर का फ़र्क है। हजरतगंज से थोड़ा अंदर जाओगे तो आप लाल बाग पहुँच जाओगे, लाल बाग के ठीक पीछे आपको मिल जाएगा अमीनाबाद, और जहाँ हम लोग पहले गए थे हनुमान धाम, तो वहाँ से अगर आपको इमामबाड़ा, लखनऊ रेसिडेंसी और क्या बोलते हैं भूलभुलैया, छोटी भूलभुलैया बड़ी भूलभुलैया दोनों हो गए, और क्लॉक टावर वो जाना है, तो वो भी आपका 3-4 किलोमीटर के दायरे में आपका पूरा आ जाएगा।
तो आप समझ गए ना, तो मैंने आपको पूरा लखनऊ एक ही ब्लॉग में घुमा दिया है। बिल्कुल आसपास सारी चीज़ें हैं, एक ही रोड पे आपको ऐसे मिल जाएगा। यहीं से आप अगर इमामबाड़े से स्टार्ट करते हैं, शर्मा जी की तरह से स्टार्ट करते हैं, तो इमामबाड़ा सब कुछ घूम घाम के यहीं से शाम के टाइम पे जाने से मुस्कान कर सकते हैं। ये है कालिदास मार्ग, जहाँ रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर हम यहाँ से लोहिया पत्ते पहुँच जाएंगे कालिदास मार्ग को जोड़ के। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ चुकी है काफ़ी, मॉर्निंग के करीब बजे हैं अभी, 10:30 हुआ है और लखनऊ में दिन के टाइम पे टेम्परेचर करीब 42-43 डिग्री पहुंच जाता है। तो आज वाले ब्लॉग में मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ, निहारिका दिखाई दी है, मैंने सिर्फ कमेंट्री की हुई है पूरे ब्लॉग में। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को, अगर नहीं लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।